नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे लोकसभा चुनाव को पूरे हुए लगभग 2 माह ही हुए हैं। हमने देखा था कि किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए और उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार के प्रति नरम पड़ रहे हैं। उनकी सरकार का कहना है कि विकास के कामों के लिए वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। दिल्ली में विकास कार्य को गति देने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अब मोदी सरकार को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिशों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वह दिल्ली में कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर पानी समेत विकास कार्यों की योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उनकी कोशिश है कि दिल्ली के विकास में केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव कोई अड़चन न बने। इस सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा पानी बचाने की अपील किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे पर छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी को बचाने की योजना की घोषणा की। अब केंद्र की सहायता से ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ट्वीट करके केंद्र सरकार को सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम मिलकर यमुना नदी को जल साफ करने में जरूर कामयाब होंगे। पिछले महीने 21 जून को कई साल बाद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों की विजिट करने का अनुरोध किया। उस समय भी केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें। धन्यवाद।